कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ PMG दिशा के बारे में जानकारी। PMG दिशा में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एफिडेविट वगैरह बनाना होता है और इसमें क्या कमीशन वगैरह मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार में आना है, यहाँ पर सर्च करना है PMG दिशा। तो मैं सर्च कर लेता हूँ PMG। जैसे PMG दिशा सर्च करोगे आप, इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये PMG दिशा का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है PMG दिशा के लिए। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होता है, स्टेट आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आता है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है, तहसील सिलेक्ट करोगे आप और पंचायत सिलेक्ट करोगे, विलेज सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करना होता है रूरल आपका एरिया है, सेमी अर्बन या अर्बन है। अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वेरीफाई करनी होगी ईमेल एड्रेस यहाँ से। मोबाइल नंबर डालना है, पावर बैकअप आपके पास है कि नहीं इसको भी यस करना है। एड्रेस डालना है आपको यहाँ पे, कंप्यूटर आपको डालना है, कंप्यूटर 3 से 5 के बीच में होनी चाहिए, मिनिमम 3 से 5 के बीच में कंप्यूटर होनी चाहिए। तो आप 3, 4, 5 जैसे कंप्यूटर होते हैं आपके पास वो डाल सकते हो यहाँ पे। कनेक्टिविटी टाइप में आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप कौन सा, मतलब ब्रॉडबैंड वगैरह यूज़ करते हो, 4G 3G या कुछ भी यूज़ करते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मोबाइल नेटवर्क वगैरह, मोबाइल डाटा से यूज़ करते हो तो 4G 3G को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर फैसिलिटी डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और क्वालिफिकेशन डाल सकते हो। यहाँ पे अपलोड एफिडेविट मांग रहा है, अपने एफिडेविट अपलोड करना होता है तो यहाँ से आप एफिडेविट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये एफिडेविट खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये एफिडेविट है, यहाँ पे आपको नोटिस 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पे ये स्टाम्प प्रिंट कराना है। उसके बाद आपको हर पेज पर सिग्नेचर और नोटराइज्ड नोटरी करानी होगी हर पेज पे। तो इतना पेज जो होता है ये ऊपर वाला ये नहीं आएगा, ये जो एरिया है ये उसमें स्टाम्प के नीचे स्टाम्प में नहीं, वो स्टाम्प पेपर पे नहीं आएगा। यहीं पे आपका स्टाम्प का जो नोट बना होता है वो यहाँ पे बना होगा। ये नोट ये कैसे भरा जाता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसको यहाँ से नीचे आके अपलोड करके सबमिट कर देना है।